चौधरी साहब, ऑनरेबल मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जनाब राजीव मियां फारूक अहमद। ये क्या आई थे मम्मी? लोग रोजे रखे हुए मत इतना क्या रोजा मेरी पंचायत में कम अज कम 3 प्राइमरी स्कूल रखे चाहिए, 1 मिडिल स्कूल रखा चाहिए, ताकि बच्चे जो आगे पीछे स्कूल जरा खत्म हुआ हो। इसी साथ डाक बंगलों में जो दरबार लगा था उसके बाद आज करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेज के माध्यम से मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ हमारे वाइस चेयरमैन पर्सन साहब बैठे हुए हैं, कि ये इधर होकर दूसरी के कंस्टिट्यूएंसी में इंटरफेयर मत करो। पिछले दिनों भी मनकौर कंस्टिट्यूएंसी का एक हमारा डीडीसी मेंबर वो भी ये कह रहा था कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई इंटरफेयर कर रहा है। बाजी साहब की कंस्टिट्यूएंसी में मैं जाके इंटरफेयर करूं या मनकौर में करूं तो ये गलत बात है। इसलिए आपको इंटरफेयर पहले अपना घर देखना है, फिर उसके बाद दूसरी कंस्टिट्यूएंसी देखो दूसरी, और ऐसे ही गुमराह करोगे, कहीं जाके किसी जगह बोलोगे जी मैं 10 लाख यहां देता हूं। मेरे पास पिछले दिनों एक बंदा आया, मुझे कहने लगा जी अशफाक साहब बोल रहे थे 5 लाख रुपए तुम उनको बोलो कि वो 5 लाख अपने फंड से दें तो मैं 10 लाख दे दूंगा। मैंने उसको बोला अशफाक साहब को ये चीज बोलो कि अगर आपके पास फंड है रोड किसी के घर में बनी तो मैं जाऊंगा उधर, घर में तो हमारी होगी ना। तो ये चीजें गुमराह मत करो लोगों को, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि हमारा 10 करोड़ रुपया जो हमारा फंड है इक्वल शेयर है, वही वाइस चेयरमैन को है, वही डीडीसी मेंबर को भी है, वही जो है चेयरपर्सन को भी है। तो इसलिए ये चीज है, इस पर गौर करें। अशफाक साहब समझदार बंदे, हमारे साथी भी है, हमने इकट्ठे काम भी किया है, तो वो समझ गए होंगे कि दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। नहीं किया तो फिर हम उसका भी जानते हैं हाल क्या है। और यहाँ के जो कुछ रिलीजियस लीडर हैं और कुछ यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दी, हमारे सब डिविजन लेवल ऑफिसर्स के पास रिप्रेजेंटेशन दी और मेरे हाथों से साइन होके चला गया है। हमने इसको अप्रूव नहीं किया,
हमने इस दुकान को अप्रूव नहीं किया। एज ए डीएम हमने कहा कि ये दुकान जो है नहीं खुलनी चाहिए, वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर हम सरकारी तौर पे कोई चीज को अप्रूव नहीं करते हैं तो वो गैर सरकारी तरीके से क्यों चले, उसमें तो फिर आपका रोल है ना। जो जितने भी रिलीजियस लीडर मेरे पास आए कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स मेरे पास आए कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग भी कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने तो सरकारी तरीके से जो होता था हमने कहा नहीं होना चाहिए। अब जो गैर सरकारी तरीके से होता है वो आपको देखना है, नहीं होना चाहिए, नहीं आ जाएगा कि साहब